हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये है गार्डन वाली ग्रास, बहुत ही बढ़िया, जिसे नील ग्रीन ग्रास कहा जाता है। सबसे बेस्ट ग्रास आती है ये। इसके पैच बने हुए हैं हमारे पास, जो आप देख सकते हो पैच में आई हुई है बाहर से। तो इसके पैच देख सकते हो, ओल्ड एज ग्रास है एक नंबर की, बहुत ही बढ़िया। और इसके जो पैच हैं बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं नीचे की, इसकी जो मिट्टी है वो कतई नहीं आई है, जड़ी जड़ है, बहुत ही अच्छी है ये। तो आप हम दिखा सकते हैं आपको, ये सामने हम उतार रहे हैं और बहुत ही भारी मात्रा में है ये, मतलब भारी का मतलब वज़न अच्छा खासा है। और हमने इसको उतारना है फटाफट और हमको एक जगह पे इसको लगाना है। तो हम आपको उसका प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से ये आती है, मतलब इस तरह से छिलती छिल के आती है, पैच में कट के आती है। और कटने के बाद इसको क्या होता है, इसको ज़मीन में लगाया जाता है। तो ज़मीन में किस तरह से लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अदर्स वीडियो भी आप देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ भैया जी ने पूरा साफ़ करके एरिया, और हमने इसे लगा दिया क्योंकि हमें ये शिफ्ट करना है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, फिर यहाँ से भी हट जाएगी। तो हमने यहाँ नीचे बिछा दिया, खाद वाद नहीं लगाई है। तो अभी हमने फटाफट से इसको इस तरह से बिछा देना है बढ़िया करके। जैसे ही जितनी बिछी जाएगी उतना ही आपको लगेगा नेचर बढ़िया कम्प्लीट हो गई। तो दोस्तों इसको देखो, पूरा लगाने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। क्या करना होता है, बस आदमी को खाद लगानी नीचे। वैसे इसमें खाद नहीं लगी है, नीचे खाद यानी कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, कोई भी गोबर वोबर वाली खाद ना हो, कंपोस्ट खाद होनी चाहिए। कंपोस्ट और नीम खली वगैरह आप डाल सकते हो नीचे, जिससे कि फंगस वगैरह ना लगे। डालने के बाद उसके ऊपर आप ये पैच आते हैं, एक साइज़ टू साइज होते हैं कंप्लीट, इसको आप बहुत ही प्यार से बिछा सकते हो। बिछा दो बढ़िया करके, जैसे भैया जी बिछा रहे हैं आप देख सकते हो, देख ले रहे हैं इनका प्रोसेस क्या है। इस टाइप से कर दो, हल्का सा हाथ मार दो, दबा दो। पहली बात तो रूट्स बहुत जल्दी सेट हो जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर पानी लगाना होगा। पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, घास पे तुरंत ही पानी लग जाएगा तो घास सेटलमेंट हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये घास को लगाया जाता है। और देखिए आप, पूरा रेडी हो चुका है हमारा छोटा सा गार्डन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।